नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज में रउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए, देखते रहिए, आपकी खबर आप तक, खबर जहां नजर वहां। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आप देखें और आपका इष्ट मित्रों को भी जानकारी हो सके। अगर चैनल को हमारे अगर अभी तक नहीं किया है जिन लोगों ने सब्सक्राइब, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि मैसेज आप तक पहुंचे और आप खबरों से रूबरू हो सकें और खबर की जानकारी हो सके आपको। आपको मैं जो ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जनपद सीतापुर के थाना थान गांव की ग्राम पंचायत गौलोकोणर का मजरा लोधनपुरवा है, जहाँ पर एक शोक की लहर दौड़ी हुई है और गांव में एक कोहराम सा मचा हुआ है। और ये तस्वीरें एक घटना की ओर ले जाती हैं। मौके पर यहाँ पे कानूनगो और लेखपाल भी उपस्थित हैं, तो जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे लोगों का जनसैलाब देखा जा रहा है। चारों तरफ बाढ़ के पानी से गांव घिरा हुआ है। जो ये तस्वीरें मैं मौके की दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्वयं यहाँ पे पहुँच के और नाव से पहुँचा हूँ, कड़ी मशक्क़त के बाद साथ में लेखपाल और कानूनगो सदानंद और लल्लू राम उपस्थित हैं। सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव के अंदर भी पानी भरा है। चारों तरफ गांव पानी से घिरा हुआ है, रास्ते जलमग्न है और घघरा के कछारों के किनारे ये गांव बसा हुआ है। बता दें कि यहाँ पर एक 3 वर्षीय मासूम की डूब कर जान चली गई है। जो मासूम डूबा है उसका नाम अभिमन्यु बताया जा रहा है और पिताजी का नाम बबलू लोध है, जो कि यहाँ पे मामला प्रकाश में आया है कि वो उसके परिजन गांव के पूरा अपने खेत में निराई करने गए हुए थे और पीछे से वो बच्चा भी अभिमन्यु 3 वर्षीय पुत्र बबलू भी गया और बाद में अकेला था। और जब कुछ देर बाद रास्ते में जब बाढ़ का पानी एक खेत में पापलर के पास में देखा तो वो डूब कर वो उतरा गया और वहीं पर कुछ स्थानीय पथकदर्शी और उनके घर वालों ने देखा उसको उतराते हुए, जिसको उठाकर अपने दरवाजे पर लाए। मौके पर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं, प्रतिनिधि और लेखपाल सदानंद और कानूनगो भी उपस्थित हैं। ले चलते हैं, पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरवाजे पर जो कोहराम सा मचा हुआ है, रो रो का बुरा हाल है। सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। तहसील के प्रशासनिक स्थानीय क्षेत्रीय लेखपाल उपस्थित हैं। अब बात करेंगे आखिर क्या है। ये चित्कारियों से गाँव गूंज रहा है। दरवाजे की तस्वीरें हैं जहाँ पर देख सकते हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उस मासूम के आसपास बैठे भी लोग। पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है। वहीं पर शव का पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए घर वालों ने पीएम कराने की बात कही है। मामला थाना थान गांव इलाके का है, विकास क्षेत्र रौसा, ग्राम पंचायत गौलोकोणर के मजरा लोधनपुरवा गांव का। पीएम के लिए सूचना दे दी गई है लेखपाल और प्रधान के द्वारा। वहीं पर जब इस बाबत बात की गई थाना प्रभारी करुणय सिंह थान गांव, तो उन्होंने बताया कि जानकारी अभी सूचना नहीं मिली है ऐसी कोई, और अगर सूचना आती है तो परिजनों के मुताबिक पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेजा जाएगा। ऐसी बात थाना थान गांव प्रभारी ने बताई कि सूचना नहीं है, लेकिन यहां पे तहसील प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पे हैं, लेखपाल कानूनगो ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना दे दी गई है। वहीं पर परिजनों के द्वारा पीएम कराने की बात भी कही जा रही है। मामला जो आपको दिखा रहे हैं जनपद सीतापुर के थाना थान गाँव क्षेत्र से बड़ी खबर, विकास क्षेत्र रेवसा, ग्राम पंचायत गौलोकोणर, मजरा लोधनपुरवा गाँव का मामला है, जहाँ पर एक 3 वर्षीय मासूम की बाढ़ के पानी में डूबकर जान गई है। पूरी खबर आप देखें आ रहा है। ये घटना स्थल को बताने के लिए खड़ा हुआ है, जहां पर पहुंचा है ये घटना स्थल है। और ये घटना स्थल आपको बता दें, जो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, ये थाना थान गांव इलाके की है, ग्राम पंचायत गौलोकोणर की। थाना थान गांव लगता है और ये ग्राम पंचायत गौलोकोणर का मजरा है लोधनपुरवा, जहां पे ये युवक खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहीं पर ये घटना स्थल है। यहां पे एक मासूम 3 वर्षीय की डूबकर जान चली गई है, ये घटना स्थल है। और हम ले चलते हैं उसके दरवाजे पर, जो कि कोहराम सा मचा हुआ है। यहीं पर डूबा था। अच्छा, ये गाँव के किधर है? पूरब। पूरब।
ये सब महिलाएं हैं और इस घटनास्थल को देख रही हैं कि दादी से, क्या नाम है आपका? रानी। रानी, ये कौन सा गांव है? लतपुरवा। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा कौन लगती है? थाना? थान गांव। ये जो बच्चे की मौत हुई है, ये आपका कौन है? कई साल का है? 3 साल का। क्या नाम है उसका? अभिमन्यू। अच्छा, और पिताजी का क्या नाम है? बबलू। हाँ। अच्छा, ये कैसे इसकी मौत की डूब हुई है? कैसे मौत हुई है इसकी? जो खेत तक जाते रहा है, सबको निकावत रहा है तो खेतवक जाते रहा है। अच्छा, अकेला? अकेला। अच्छा, तुम लोग पहले रहो का गए हो? ये सब निकावत रहा है। कौन निकावत रहा है? ये हमारे घर घर भर निकावत रहा है। अच्छा, बलराम हो रही, बलराम उनके दादा हो रही। अच्छा, बड़का पतवा निकावत रहा है और हमारे हन भैंस लगावे। इसकी माँ भी निकाई कर रही थी? अम्मा एक ही घर खाना बनावत ठीक तक है, तो ये खाना बनाते रही है। चुप्पे चला गवा है। जब हम घर, जब भैंस लगा गेंदा है जैसे रखे तो कल फिर निकाय जाए हम, तब जाकर उतराते रहे। अच्छा, तुम घर ही पे थी? हाँ, हम घरे रहा, भैंस लगा चले गए, घर पर भैंस लगा गया। अच्छा, फिर निकावत को रहे? निकावत रहे के हमारे घर के बड़े बड़ा लंबा। अच्छा, फिर तुम निकाई करने के लिए जा रही थी? फिर दोहरे हम ना जैसे निकावा। हाँ हाँ। अच्छा, तभी हमको उतरान मिला। अच्छा अच्छा, ये पानी बाढ़ का है? गाँव के किधर है? के खेत में है जहाँ पर डूबा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रानी। पति क्या? राजा। अच्छा अच्छा, माँ क्या नाम है आपका? नाम बोलो। हाँ, सीमा देवी। ये बच्चा आपका है? हाँ। क्या नाम है इसका? अभिमन्यु। कै साल का है? 3 साल चौथा। अच्छा अच्छा, ये कैसे क्या हुआ, घटना कैसे घटी, कहाँ गया था? यू ऐसे पानी गवा रहा नहा, ए रात कहीं जात रहा, हम घर रह तो यहाँ क्या पकड़ ला रहा, तो दोबारा गवा रहा तो न देख पान। अच्छा, आप घर है में रहो? हाँ। अच्छा, और इसके बाकी दादी और बाकी लोग कहाँ ख्यात में है, का कर रहे? निकावत रहा। अच्छा, तो वहीं जा रहा था? हाँ। अच्छा, ये बाढ़ का पानी है? हाँ। गांव के किधर ये घटना घटी है? पूर्वे। अच्छा अच्छा, लखनऊ में। अच्छा, पिताजी लखनऊ है। ये लड़का बड़ा था छोटा? बड़ा। ये बड़ा लड़का था? अच्छा, दो भाई थे? हाँ। अच्छा अच्छा, जिसके घर पे एक पहाड़ सा टूट कर गिर गया है, उसकी माली हालत आप तस्वीर में देख सकते हैं। छप्पर झोपड़ी पड़ी हुई है और मात्र माली हालत ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं ये घर है, ये दरवाज़ा है और ये छप्पर का फूस और घर है, जिससे साफ जाहिर होता है कि माली हालत ठीक नहीं है। और मजदूरी पेशा है, पिता इस मृतक के लखनऊ मजदूरी करने लिए गए हुए थे, वो मौके पर मौजूद भी नहीं। ये बबलू लोध, जिनका पुत्र आकस्मिक दैवी आपदा का शिकार हो गया बाढ़ के पानी में, उन्हीं का ये घर है। आप देख सकते हैं माली हालत, इन तस्वीर से आप देख सकते हैं क्या उसकी माली हालत है। और पिता उसका मौके पे है नहीं, मजदूरी करने के लिए लखनऊ गया हुआ है। पूरी तरीके से गांव बाढ़ की चपेट में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और बाढ़ के पानी में एक 3 वर्षीय बबलू के पुत्र अभिमन्यु की जान गई है। उसकी माली हालत ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है। देख सकते हैं चारों तरफ से केवल कच्चा और झोपड़ी घर है।